काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में होने वाली बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ का हानि पहुँची है तो वहीं किसान और किसानन के नुकसान के मद्देनज़र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक्शन मोड में कार्रवाई शुरू की गई है। फसल के होए वाले नुकसान के लेके अफसरन से चर्चा की गई। एक साथ ही साथ तत्काल किसानन का राहत पहुंचावे के खातिर सर्वे शुरू करवावे के निर्देश जारी किए गए। हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक से बदलाव आवा, जिसके कारण बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिला में तेज बारिश और ओलावृष्टि केंगे और एक कारण किसानन के फसल के नुकसान भाव है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सर्वजन का प्रणाम करी थे। शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बीते 11 से 14 फरवरी का असमय का वर्षा और ओलावृष्टि होने वाले नुकसान के मामला की जानकारी लगे के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारी से बातचीत किएंगे और निर्देश देंगे कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोनो किसान राहत और सर्वे से छूटे न चाहिए। सर्वे के बाद कलेक्टर का आरबीसी में किसान का राहत राशि वितरित करे के निर्देश देंगे। हम सीएम के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुरूप राहत राशि प्रदान करे के खातिर कहा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां जहां बारिश के कारण नुकसान हुआ है तो वहाँ प्रमुख जिला बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, सतना, सिगरौली, पन्ना, अनूपपुर, छतरपुर के 34 तहसील में फसल खराब हुई की सूचना सरकार के मिली है, जहां अधिकारियों के द्वारा बतावा गया कि 343 गांव की 3,701 किसानों की फसल प्रभावित भई है। बता दें कि ओलावृष्टि प्रभावितन का वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन के द्वारा 121 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। विगत 3 वर्ष में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानन का 1,820 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दो इजाजत, प्रणाम।